रिमोट दे दो ना, मुझे शो देखना है, प्लीज गिव मी द रिमोट। मैं नहीं दूंगा, प्लीज प्लीज मैं नहीं दूंगा रिमोट, नहीं दूंगा मैं। फोटो में से कोई एक लड़का चुन लो, फिर रिमोट दूंगा, ठीक है? चाचू चलिए आप यहाँ पर बैठिए। जब भी हम लोग कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम कितने सारे ऑप्शंस देखते हैं, और ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है, सही लड़का चुनने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मुझे कोई अनोखा लड़का नहीं चाहिए, वो झूठ ना बोलता हो, ईमानदार होना चाहिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करे, मेरी हर बात माने और दूसरी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, आज के जमाने में तो मुश्किल है। क्यों, मैं नहीं हूँ? अच्छा जरा अपना फोन तो देना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखा तुमने, इस घोर कलयुग में भगवान राम जैसे लड़के कहाँ मिलेंगे तुम्हें? यस, मुझे भगवान राम जैसा लड़का चाहिए। हेलो अंकल आंटी, हो चुकी शादी, चले क्या? ऐसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। और कितना टाइम? ट्रैफिक ना मिले तो 20 मिनट, वरना 2 घंटे। काश ट्रैफिक ना मिले, काश ट्रैफिक ना मिले, भगवान। I'm so sorry. Are you okay? I'm fine. Listen, Vicky, innocent. ये क्या हो रहा है? स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे, लेकिन क्यों? Teen down, down. Vicky is innocent. ये तो बहुत लकी है, एक लड़के के लिए इतनी सारी लड़कियाँ। Teen down, down. जरूर एक्सपेल किया होगा। Madam, your daughter is protesting against you. I can see that. Let's go. Vicky is innocent. Teen down, down. Vicky is innocent. Vicky is innocent. Teen, excuse me. What's going on here? Get lost. Pooja hall mein? Suno, Dean. आप ये ठीक नहीं कर रहे। अगर विकी को इंसाफ नहीं मिला ना तो हम आपकी कार जला देंगे। Excuse me. हुआ क्या यहाँ पर? हम विकी के सपोर्ट में डीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Who the hell is Vicky? My boyfriend. वो मेरा boyfriend. नहीं, वो मेरा boyfriend है। झूठ मत बोलो। Vicky तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम हो सकता है, पर हम लड़कियों के लिए वो सब कुछ है। Hot, cute, वो और उसकी प्यारी प्यारी बातें मानो जैसे ग्रीक गॉड हो। लड़की उस पर फिदा है, उसके एक नहीं कई गर्लफ्रेंड्स हैं, वो सबके दिलों पर राज करता है। तो फिर उसे क्या हुआ? डीन की बेटी और विकी कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, और तभी डीन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और डीन ने विकी को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया। तो फिर विकी ने क्या किया? विकी ने कॉलेज में लीगल अपील की है, काउंसिल में उसे अपने बेगुनाही का सबूत देना है, और आज ही वो दिन है। विकी काउंसिलर से मिल रहा है, प्रशांति रेड्डी, हेड काउंसिलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एज 32, वेरी स्ट्रिक्ट। वो मर्दों से बुरी तरह पेश आती है, उनके स्टाफ में जितने भी मर्द हैं उन पर रोज अपना गुस्सा निकालती है और अपना ईगो सेटिस्फाई करती है। प्लीज प्रे फॉर विकी। अजीब कैरेक्टर है ना? फालतू कैरेक्टर है। Excuse me, miss. Hi. ये इंग्लिश भाषा भी ना, जो मिस नहीं है उन्हें भी मिस कहना पड़ता है। Where's the counselor's office? Thank you. Hey, तुम हिंदी बोलती हो? Oh, ego. अप्रैल 6 को रात को ठीक 11:30 बजे तुम डीन की बेटी मार्गरेट के रूम में क्या करने गए थे? एक्चुअली मार्गरेट थोड़ी स्ट्रेस में थी और मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। स्ट्रेस में थी? कैन यू एक्सप्लेन? यस मिस रेडी। अच्छा, जब आप स्टूडेंट थी तो एग्जाम टाइम में स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करती थी? मैं चॉकलेट खाती थी। हाँ, उन दिनों तो चॉकलेट से काम बन जाता था, पर आज का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। चॉकलेट खा लो, बिस्किट खा लो, कुछ नहीं होता। ह्यूमन टच की जरूरत पड़ती है। What? मैंने भी ठीक इसी तरह रिएक्ट किया था, पर एग्जाम टाइम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। सुबह उसका एग्जाम था, पास होने के लिए उसे पढ़ना जरूरी था,
पढ़ाई के लिए स्ट्रेस कम होना जरूरी था। स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने बस उसकी हेल्प की। एक तरफ थे मेरे वैल्यूज और दूसरी तरफ था मार्गरेट का करियर। वैल्यूज करियर। What did you decide? वही जो सही था, वैल्यूज भुला दिए। सिर्फ मार्गरेट के करियर के खातिर, उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसने जो कुछ मुझसे कहा मैं बस करता चला गया। मेरी लगाम उसके हाथ में थी। She felt really happy. पर तभी उसकी मासूम माँ आ गई। Vicky. She didn't feel happy. Miss Reddy, I'm not guilty. Please help me. Miss Reddy, आपके हाथ कांप रहे हैं। आपके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। आपको तो पसीना भी आ रहा है। I think you are stressed. आप चॉकलेट खाएंगी? No. Miss Reddy. Call me Prashanti. पापा चाचू नहीं आ पा रहे, कुछ वीजा का इशू है। हे सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हिंदी बोलती हो? हे अरे एक्सक्यूज मी मिस, इंग्लिश भी बड़ी अजीब भाषा है। जो मिस नहीं होती है उन्हें भी मिस बोलना पड़ता है। हाय आई एम विकी। तो उसमें मैं क्या करूँ? Huh? And please, don't follow me.